मंगल ग्रह का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों ने पिछले साल एक उल्कापिंड को लेकर खुलासा किया है। दरअसल 24 दिसंबर 2021 को एक उल्कापिंड मंगल की सतह से टकराया था। ये टक्कर इतनी भयानक थी कि 4 रिक्टर स्केल की तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। 4 साल पहले मंगल की सतह पर उतरे नासा के इनसाइट अंतरिक्ष यान ने इसका पता लगाया है। जिस जगह पर उल्कापिंड गिरा और जहां नासा का इनसाइट अंतरिक्ष यान है उसके बीच 3,500 किलोमीटर की दूरी है। मंगल ग्रह पर महसूस होने वाले झटके को अंग्रेजी में मार्सक्विक कहते हैं। उल्कापिंड की टक्कर के बारे में पुष्टि नासा के मार्स रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर यानी MRO ने की थी। टक्कर के 24 घंटे बाद ऑर्बिटर ने नए बने क्रेटर की तस्वीर ली। इस तस्वीर में दिख रहा है कि उल्कापिंड गिरने से 150 मीटर चौड़ा और 21 मीटर गहरा क्रेटर बन गया है। क्रेटर के आसपास बर्फ देखने को मिली है। 16 साल पहले MRO ने मंगल की परिक्रमा शुरू की थी, तब से लेकर अब तक ये सबसे बड़ा क्रेटर बना है। इनसाइट और MRO मिशन पर काम करने वाले इनग्रिड डाबर ने कहा कि मंगल ग्रह पर उल्कापिंड का प्रभाव दुर्लभ नहीं है। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम कभी इतना बड़ा कुछ देखेंगे। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि यह उल्कापिंड 16 से 39 फीट के बीच के आकार का रहा होगा। इस आकार की कोई चीज अगर पृथ्वी की ओर बढ़ती है तो वह वायुमंडल में ही जलकर खत्म हो जाएगी। ग्रह विज्ञान के प्रोफेसर फिलिप लोगोन ने कहा कि जब से विज्ञान ने सिस्मोग्राफ के जरिए झटके नापे हैं, तब से लेकर अब तक ये सबसे बड़ा उल्कापिंड प्रभाव है। नासा ने इस टक्कर की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग जारी की है जो सिस्मोमीटर द्वारा इकट्ठे किए गए वाइब्रेशंस से बनाई गई है। वैज्ञानिकों ने कहा कि इस टक्कर से मंगल ग्रह के आंतरिक भाग, ग्रह के निर्माण के इतिहास के बारे में गहन जानकारी मिलेगी। सबसे ज्यादा हैरानी टक्कर के बाद मिली बर्फ को लेकर है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह बर्फ पानी में बदलकर वायुमंडल से गैस बनेगी। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।